तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना वॉन्डर विद रुशिल, और आज हमारे पास जो बाइक है वो है हार्ले डेविडसन X440। तो हमारे पास इसके ओनर भी हैं, हमारे जतिन भाई। क्या हाल है जतिन भाई? बढ़िया भाई, बस एकदम बढ़िया। तो कब ली थी यार आपने बाइक? ये मैंने ली थी 15th of October को, जो कि था इसका ऑफिशियली फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी। उसमें मेरी थी सेकंड डिलीवरी ऑल ओवर द इंडिया। क्या बात है, बुक मैंने करी थी फर्स्ट, लेकिन अच्छा मिली सेकंड है, चलता है। वो मेरे को पता है किसने लिया फर्स्ट वाली, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो उनका ट्रेडिशन रहता है वो चेन चून काटने वाला, वो तो प्रॉपर आपने ही किया। हाँ, तो वो जितनी भी इनकी सारी वीडियोस है, मैं पहले बता देता हूँ, भाई का भी चैनल है डेविल्स लाइफ के नाम से, जिसपे आपको सारी की सारी डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी अपना X440 की। और पहले भाई के पास कौन सी बाइक थी? पहले थी मेरे पास हार्ले डेविडसन नहीं थी, बट वो थी स्ट्रीट 750। अच्छा, हाँ। तो वो सेल ऑफ करके आपने ये ले ली, तो एक्सचेंज में दी या बाहर बेची? मैंने आफ्टर मार्केट, मतलब बाहर मार्केट में ही सेल करी थी। ठीक है, मैंने हार्ले में फिर बुक कर दी थी। तो वो सीन था क्या कि मतलब ये लेनी है तो इसलिए वो बेची, या उसको कोई दिक्कत आ रही थी? उसमें दिक्कत विक्कत नहीं, वो एक्चुअली कि मन भर गया था। हाँ, हमने कर ली थी, साथ में भी हमने राइड करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद ये कुछ एक नया प्रोडक्ट आ रहा था, तो व्हाई नॉट इसके ऊपर जाते हैं। सही है। तो कितने की पड़ी थी आपको ऑन रोड? मेरे को पड़ी थी 325 की। 325 की, बिल्कुल सही है। और फाइनेंस पे ली थी, कैश पे? ये मैंने फाइनेंस करवाई थी। उसके बाद तो और 1-1.5 लाख महंगी पड़ गई होगी, या कम से कम 30-40? बहुत ज्यादा तो नहीं। अच्छा, डाउन पेमेंट अच्छी दे दी होगी आपने, मोटी वाटी तो बहुत है। सही है, सही है, सही है। और यहाँ पे देखो, इन्होंने अपना प्रॉपर सिग्नेचर करा रखा है डेविल वाला। और इसके ऊपर भी आप पहले एक बार मेरे को बता दो, ये जो मैट फिनिश है, पेंट ऐसा आता है या जो PPF रखी है वो है? पेंट भी ऐसा आता है और PPF भी मैट है। अच्छा, तो PPF इसकी कितने की पड़ी थी? PPF का वैसे मार्केट में कॉस्ट तो है इसका 30,000 भी है। अच्छा, जगह पता करा था वहाँ पे 30,000 बोल रहे थे। अच्छा, और जहाँ से मैंने करवाई है वहाँ पे 12,000 बोल रहे थे, बट मेरे को 10,000 में डील हो गई थी। सही है। तो 10,000 के अंदर आपने कौन कौन से पैनल्स इसके रैप करवा दिए? इसके मैंने फ्रंट करवाया, ठीक है, टैंक करवाया, साइड के दोनों करवाए हैं। अच्छा, और टेल करवाई है। इसका तो साइड का पैनल भी बहुत बड़ा यार। हाँ। और यार एक बार व्यूअर्स को कंफ्यूजन ना हो, एक बार थोड़ा सा बता दो कि इसके अंदर जो PPF है वो एक शीट पूरी लग गई या कट पीसेस में लगी है? टैंक में तो भाई देखो पार्ट में लगेगी, बिकॉज PPF जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। हाँ जी। तो उसका अगर बेंड करोगे ना तो वो अच्छे से बेंड होगी नहीं, वहां से निकलने लग जाएगी। तो तीन पार्ट में हुई है, फ्रंट अलग है, दोनों साइड के अलग है। ठीक है, चलो ये बढ़िया। वो आपने ये एक बार मेरे को बता दो, चला कितनी दी है बाइक? ऑन करते हैं यहाँ से। चल चुकी होगी लगभग 4,000, 3,500। 3,500 तो चली दी है, तो बढ़िया है भाई। हाँ। तो कहाँ ले गए इसको आप? अभी तो मैं इसको एक बार ऋषिकेश ले गया हूँ, बाकी यहाँ पे संडे राइड्स वगैरह तो होती रहती है। ऋषिकेश का ब्लॉग डाला था यूट्यूब पे, तो जो भी यूट्यूब पे जितने भी ब्लॉग वगैरह अगर आपको देखने हो हार्डले पे बंदे कैसे राइड कर रहे हैं, तो भाई का आप देख सकते हो। पीछे भी प्रॉपर ब्रांडिंग करा रखी है डेविल्स लाइफ। और यार इसकी आप लोग डिजाइन चेक करो, कितना प्यारा है यार इसकी ब्रेक लाइट्स का और इंडिकेटर का, बहुत प्यारा डिजाइन है। इंडिकेटर मैंने स्मोक करवा रखे हैं ब्लैक। अच्छा, इतनी लाइट है, बढ़िया है। LED का थोड़ा रहता है, LED बहुत तगड़ी ब्राइटनेस होती है। तो ब्रेक लाइट जो है वो भी कुछ स्मोक वगैरह करा रखी है स्टॉक? ब्रेक लाइट भी स्मोक्ड है। सही है, सही है, सही है। अच्छी फिनिश आ रही है, बढ़िया 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 भाई, बढ़िया प्रॉपर एकदम। तो एक बार यार बंदे ने चला लिया 3,500, तो कमियां खामियां सब पता चल गई होंगी बाइक के अंदर क्या आ रही है। थोड़ा बहुत बता दो, पॉजिटिव्स तो हर बंदे ने देख ही लिए, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स बता दो, और नेगेटिव थोड़ा डिटेल में बता देना, बंदों को पता चल जाए कि मार्केट में जो है नई हार्ले आ रखी है इसके अंदर क्या क्या उनको देखना पड़ेगा लेने से पहले। भाई देखो, नेगेटिव तो मैंने अपने भी एक व्लॉग में बताया था, बट उसमें क्या है, जिन लोगों ने ये बाइक ले रखी है ना वो यार नेगेटिव सुनना नहीं चाहते, बट ऐसा नहीं होता भाई, हर बाइक में देखो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर बिल्कुल कुछ है तो वो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले भाई इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन इसके ठीक है, बट जैसे आप थोड़े बहुत बम्प वगैरह में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कहीं ये लग ना जाए, इसका थोड़ा सा स्टिफ साइड में है, बाकी वैसे तो ठीक है सिटी के हिसाब से। मिरर जो थे इसके भाई कंपनी फिटेड, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज वो ना हैंडल बार से काफी अंदर थे, तो आपके शोल्डर से आधा मिरर तो वैसे ही कट हो जाता था और पीछे का व्यू मिलता ही नहीं था, इसीलिए मैंने 12 मिरर लगवाए हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी भाई देखो सेटिंग पोजीशन भी बिल्कुल सही है, हैंडल की पोजीशन भी बहुत बढ़िया है, मीटर इसका बहुत सही है। उसके बाद भाई ये जो कंपनी देती है ना लेग गार्ड, ये भाई मेरे को तो देखो इतना अच्छा लगा नहीं, बट अभी मेरे को आफ्टर मार्केट ना इतना बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं मिला कि मैं स्विच कर पाऊँ। हाँ, लेकिन एक्सेसरीज थोड़ी सी कम आ रही है मार्केट में, अब आनी शुरू हुई है, शुरू हो गई है। हाँ। बट ये इतना कुछ मेरे को बढ़िया लगा नहीं इसकी क्वालिटी ना, कि बहुत ज्यादा पतला है, बाइक का वेट छोड़ो अपना वेट नहीं ले पाएगा घर पे। और इसमें देखो भाई हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी नहीं है बाइक। हाँ, में वो मैंने अभी चला के देखी। हाँ। है वो आपको जो भी राइडिंग एक्सपीरियंस है वो अलग से ब्लॉग में मिल जाएगा। हीटिंग की मेरे को इसके अंदर ये एयर कूलिंग आती है, ऑयल कूलिंग आती है क्या? एयर ऑयल कूल्ड है, ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है। हिमालयन जो आती है हमारी वो लिक्विड वाली है, वो अच्छी खासी हीट करती है, मेरे को इसके अंदर उससे भी कम हीटिंग लगी। यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा, इसका ऑयल कूलिंग वाला रेडिएटर बहुत पतला सा दे रखा है, बट काम सही कर रहा है, सफिशिएंट है इसके लिए। हाँ, जब इतना चलाने के बाद भी गर्म नहीं हुआ तो अच्छा खासा काम कर रहा है। सही है ये तो। और भाई इसमें आती है एक तो चेन, हार्ले की दो ही बाइक्स है जिनमें अभी तक चेन आई, एक पैन अमेरिका, दूसरी है X440, बाकी सारी के सारी बेल्ट वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें भी कोई ऐसे मतलब इशू लगा नहीं मेरे को। तो कितने टाइम पे करनी पड़ती है इसकी चेन लूप? भाई वैसे तो मतलब बोलते हैं कि 700-800 पे कर लो, बट मैं 500 के बाद कर ही लेता हूँ। नहीं ठीक रहती है, 300-500 पे मैं भी अपनी कर ही लेता था। इतनी हो जानी चाहिए यार आप लोगों को, और हाँ। ये चीज़ खुद करनी चाहिए, और वो दिख ही जाती है जब इतनी गंदी हो रही होती है, तो खुद ही करनी चाहिए। और ये चीजें अगर खुद करोगे ना तो आपको बाइक के बारे में और भी चीजें पता चलती रहेंगी, बिल्कुल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो लेकिन चेन हमेशा ध्यान से साफ करनी चाहिए, ऑन करके कभी, बाइक ऑन करके कभी भी चेन साफ मत करना, नहीं तो पूरी साफ है। हाँ अभी भी बाइक पूरी चमकी हुई है, मैंने अपनी वीडियो में ही बताया था कि प्रॉपर कपड़ा वपड़ा मार के लाया भाई। नहीं ये गंदी है भाई, मैंने साफ नहीं। अच्छा गंदी है ये, राइड के बाद आया हूं मैं। सही है बट यार फिर भी ज्यादा कोई मिट्टी पकड़ नहीं रही है, पीपीएफ जो भी है ना, सही है। और भाई अगली बात जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया। एक बार चला के सुना दो बंदों को पता चल जाए। एक बार इग्निशन भी देख लो, इग्निशन कंसोल इसका कैसा है। ये आगे इसकी वेलकम स्क्रीन, वाह जबरदस्त। अब यहाँ से इसको करते हैं ऑन, जबरदस्त आवाज है भाई, स्टॉक की इतनी प्यारी आवाज है। बट भाई इसमें आफ्टर मार्केट भी लगवाएंगे, बहुत बढ़िया एक ऑप्शन आने वाला है हमारे पास, दोनों के पास ही आने वाला है। हाँ। वो भी हमें पता चला है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा, जस्ट यूट्यूबर थिंग्स। और भाई एक इसकी मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ये वाला बटन देखा? हाँ जी, लैम्बोर्गिनी स्टाइल SOS। इसको आप जैसे लिफ्ट करोगे और ये बटन प्रेस करोगे, अरे भाई साहब, तो भाई आपके जो भी आपने ऐप के अंदर दो कॉन्टेक्ट डाल रखे हैं, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, उनके पास आपकी लोकेशन चली जाएगी, प्लस अलर्ट चला जाएगा भाई ये बंदा इस लोकेशन पे प्रॉब्लम में है। तो इसके अंदर क्रैश डिटेक्शन भी आता है कि जैसे अगर कोई क्रैश होता है तो पता चले, है ना, क्योंकि वही है कि अगर कभी बंदे का एक्सीडेंट होगा तब तो बंदा दबाने थोड़ी बैठेगा। नहीं नहीं, तो दबा देता भाई अगर कुछ और चीजें करके अगर बंदा चला रहा है, पार्टी शार्टी करके, तो भाई वो चीज गलत हो जाती है, वो करनी भी नहीं है। बट अगर क्रैश डिटेक्शन कंपनी दे रही है कि अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है अच्छा खासा, तब अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है तब तो एक काम का फीचर है। सही है, तो मतलब काफी राइडर्स की हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई इसमें ऐप कनेक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा आते हैं फीचर, जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें आप काफी चीजें डायग्नोस, बाइक को डायग्नोस कर सकते हो। अच्छा, जियो फेंसिंग लगा सकते हो बाइक को। जियो फेंसिंग मतलब कि अगर एक लोकेशन से बाहर गई तो ओनर को मैसेज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपको लग रहा कोई और बंदा आपकी बाइक लेके जा रहा है, वहीं से आप सीधा इसको बाइक को बंद कर दो, इग्निशन ऑफ। लो जी क्या बात है। तो ये तो अगर किसी को घर वालों को पता चल गया वो तो घर बैठे बैठे यही करते रहेंगे साला। इसीलिए ऐप के भाई सारी एक्सेस मेरे पास ही है। ये सही है, ये सही है, सही है। इसमें नॉर्मल USB चार्जिंग आता है, इसमें सी टाइप नहीं है। अच्छा, तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है? फास्ट चार्जिंग, बस बढ़िया है ये तो। फास्ट चार्जिंग तो आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि जितने भी हम मतलब मोबाइल वगैरह होते हैं सारे होल्डर पे लगते हैं एट अ टाइम, उसमें नेविगेशन वगैरह कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। बैटरी अच्छी खासी का आता है तो फास्ट चार्जिंग तो होना ही चाहिए अपने पास। और बता दो भाई, और इसके अंदर आपको फ्रंट का तो हमने बहुत देख लिया, बैक साइड में इंडिकेटर वगैरह में या ब्रेक लाइट में कोई कमी मेरे को तो लग नहीं रही भाई? और तो और मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट है, मैंने स्मोक भी करवा रखी है, उसके बाद भी पूरी ब्राइटनेस है। बट ये है ना, आपको ये थोड़ा एरिया थोड़ा अलग सा लगेगा कि ये ऐसा फ्लैट दे दिया बाइक, थोड़ी कर्वी कर्वी सी है, और ये दे दिया फ्लैट, तो ये मेरे को भी भाई देखो थोड़ा तो ऑड लगता है, अभी भी लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगा अब नहीं लगता। सारी गार्ड इसके अंदर आते हैं क्या? सारी गार्ड आता है, वो मैंने हटवा रखा था। ये बढ़िया किया आपने, थोड़ा अच्छा सा मतलब हाँ वो तो है, सेफ्टी फीचर, सेफ्टी फीचर है, जब तक पीछे कोई बिठाने वाली ना हो तब तक जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन हम लोग भाई देखो सोलो राइडिंग करते हैं तो हाँ ठीक है यार, वेट जितना कम हो पाए बाइक का उतना बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बताओ और कोई इसके अंदर आपको पॉजिटिव भी बता दो बढ़िया। पॉजिटिव तो यार इस बाइक का जो राइडिंग पावर कितनी आती है इसके अंदर? पावर तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया आती है, अगर आप इसको ट्रैफिक में भी जैसे क्या नाम है सेकंड गियर पे भी उठाओगे ना बढ़िया से उठ के भगेगी ये। सही है, आप जैसे जैसे कमांड दोगे बाइक वैसा वैसे परफॉर्म करेगी। बढ़िया है बढ़िया बढ़िया। अब बताओ आप सीटिंग पोस्चर का क्या कहते हैं एक बार? तो भाई ये मैंने लगवाई है, एक तो टूरिंग सीट लगवाई है, जो इसकी कंपनी वाली सीट है उसमें मेरे को भाई देखो मजा आया नहीं, ये थोड़ी कंपनी ने एक ऑप्शन दिया है। सही है, सस्ते में ऑप्शन दे दिया, बहुत बढ़िया ऑप्शन। कितने की पड़ी थी? 1500 रुपए की पूरी सीट है। अरे भाई क्या बात है, इतने का तो 1500 में सीट आप मार्केट में लेने जाओगे वो भी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1000-1000 रुपए के तो सीट कवर ही बन जाते हैं सिर्फ इन्होंने पूरी। राइडिंग पोजीशन कमांडिंग पोजीशन है, इसको आप ट्रैफिक में भी मस्त ज़िगज़ैग करो, कोई दिक्कत नहीं है,
बाइक थ्रोटल देती भगती है, ब्रेकिंग भी सही है, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है ब्रेकिंग पे, तो बढ़िया ही है सारा सिस्टम, बढ़िया है इसका। सही है भाई, बढ़िया है सब कुछ। और इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प आते हैं। अच्छा, हिमालयन में आते हैं। वाह, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मतलब कि रात होती है अपने आप जल जाएंगे, ये बढ़िया है। ये हिमालयन में तो फीचर नहीं आता यार। नहीं, ये तो मोए मोए वाला सीन हो गया, बट ये तो यार काफी बढ़िया चीज देखी मैंने। और ये हेडलाइट इसकी आपने चेंज कराई है नीचे? ऐसे प्रोजेक्टर आते हैं इसके नीचे? बिल्कुल बढ़िया है भाई। इतना तो मतलब मैंने YouTube पे बाइक की वीडियोस, रिव्यू वीडियोस तो देखी थी, बट इतनी ध्यान से नहीं देखी कि ये सब देखूं मैं। सामने से देखोगे ना तो बाइक में आपको और भी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी भाई। बढ़िया है भाई, एक बार इसके इंडिकेटर चलाना। ये थोड़ा आपको और लगेगा ना। हाँ, ये मेरे को थोड़ा सा आगे से अजीब लगता है उठा हुआ। ये देखो भाई इंडिकेटर प्यारे लगते हैं भाई, इंडिकेटर भी इसके एकदम प्यारे लगते हैं। बिल्कुल। ये 594 नंबर जो है वो लिया था स्पेशल या क्या? स्पेशल नंबर लगता है, लगता तो है यार 594। नहीं, अपने आप मिला। ये बढ़िया है। गुड़गांव की अथॉरिटी है, कहाँ की है? द्वारका की? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। और इसका शोरूम कहाँ पे? दिल्ली में तो शायद नहीं है, इसका दिल्ली में है, साकेत में है शोरूम। अच्छा, कैपिटल हार्ले का ही है, और दूसरा जो मेन है वो है अपना गुड़गांव में। अच्छा, तो आपने मतलब वहाँ से फाइल वगैरह बनवा के खुद रजिस्टर करवाई थी फिर? नहीं, वहीं से उन्होंने रजिस्टर करवा के दिया। सही है, गुड़गांव वालों ली तो मतलब गुड़गांव से थी, उन्होंने दिल्ली रजिस्टर करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बढ़िया है भाई। और 594 नंबर यार मतलब मिल गया, ट्रिपल 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 डिजिट मिल गया आपको। सही है भाई, हम अपनी बाइक के लिए 2500 रुपए के नंबर खरीद खरीद के थक गए। पहले वाला जो मेरा नंबर था वो था 0555। अच्छा, तो बढ़िया नंबर। हाँ, वो लिया था, वो क्या सीन था? वो मेरे को बाइक के साथ ही मिला था वो, मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, मतलब किस्मत अच्छी है भाई की। तो और कोई कमियां खामियां कोई लगती नहीं आपको? बाकी सब बढ़िया है, पूरा सब कुछ। तो अभी अगर आपके पास हो 230,000 240,000, कौन सी बाइक लोगे? लेकिन ये तो थोड़ी महंगी आती है ना, 3,25,000। 3,00,000, सॉरी 3,25,000 अगर हो के आसपास। हाँ भाई बिल्कुल, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर जाऊंगा यार, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इसके नीचे भी दो मॉडल और आते हैं। अच्छा, उनका क्या रेट पड़ता है? ऑलमोस्ट उनका वही 5-7 रुपए कम, 20-20 हजार रुपए का फर्क है। तो वो कलर के हिसाब से फर्क है या फीचर्स? उसके अंदर आपका आएगा येलो कलर, उसमें आएंगे आपके स्पोक व्हील्स। अच्छा अच्छा, और ऐप कनेक्टिविटी फीचर भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अच्छा, 3D होलोग्राम आएगा। क्या बात है। जो इसका सेकंड वेरिएंट है वो आएगा आपका सिल्वर कलर में और रेड कलर में, उसमें आपके अलॉय आ जाएंगे, बट उसमें आपका ये वाला नहीं आएगा और ऐप कनेक्टिविटी फीचर नहीं आएंगे। ये है टॉप मॉडल, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसमें डिलीवरी के टाइम पे जब आपने बुक कराई थी, ऐसा कोई सीन था क्या कि टॉप मॉडल पहले मिलेगा या बेस मॉडल धीरे मिलेगा? पहले बुक करवाई उनको मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि जब हमने अपनी बाइक ली थी तो उसमें मतलब बुकिंग तो हमारी पहले की थी, बट जो प्रोडक्शन थी वो पहले सिर्फ टॉप मॉडल की चल रही थी। नहीं नहीं नहीं, बीच वाला मेरा आता है, बीच वाला मॉडल हमारे, इसमें 5-5, 6-6 हजार का फर्क है कलर के चक्कर में, बाकी सारे फीचर सब में सेम है, तो कलर के चक्कर में फर्क है। और कंपनी ने बहुत दिमाग खराब किया था, 2.5-3 महीने लगा दिए थे देने में। सही है, मतलब वही है ना, हार्डले बंदा ले रहा है टॉप मॉडल ही उठाएगा, इसमें भी क्या देखेगा बेस मॉडल का। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, भाई ने बहुत बढ़िया एक बार गाइड कर दिया, आप सबको भी पता चल जाएगा कि अगर आप लोग हार्ले डेविडसन X440 लेने का अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो क्या इसके अंदर पॉजिटिव मिल जाएंगे, क्या नेगेटिव मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।